एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा ने मीडिया के सामने आकर कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के आंदोलन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और दोनों पक्षों में वार्ता होनी चाहिए और वार्ता का हल जल्द से जल्द निकालना चाहिए। यह चिंता की बात है कि किसान नए कृषि कानूनों पर केंद्र के साथ गति विरोध के चलते भीषण ठंड में सड़कों पर करीब 55 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर किसानों के बिना देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। किसान एवं देश की रक्षा के लिए कृषि विरोधी कानूनों को वापस लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रही सरकार तो सरकार के मन में खोट है। हम भारत सरकार से ये पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि अब वो किसानों के धैर्य की परीक्षा न ले। किसानों ने जो शांतिपूर्ण तरीके से इतने दिनों से बड़ी व्यवस्था के साथ कानून का पालन करते हुए जो आंदोलन किया है, भारत सरकार को उस आंदोलनकारी किसानों का सम्मान करना चाहिए और किसानों का सम्मान करते हुए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के किसानों की मांग को मानकर पूरे देश को एक उपहार प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए। ये एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहती है। बीसीएन न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।